मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूमीज फैमिली। अभी अर्ली मॉर्निंग है और इस टाइम देखिए मेरा चपाती रेडी हो रहा है। जिदान अभी स्कूल जाएगा, अभी तक उठा नहीं है जिदान। अभी 5 मिनट्स में जिदान को उठा देंगे और तैयार कर देंगे और ब्रेकफास्ट भी लग जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि जिदान को स्कूल भी जाना रहता है और उसका ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। तो इस तरह से मॉर्निंग का मेरा देखिए बिगनिंग हुआ और उसके बाद मेरा जो बाकी चपाती है मतलब जिदान स्कूल जाने के बाद वो भी कम्प्लीट हो जाता है। जिदान के पापा को रिटर्न आता रहते हैं और आज देखिए लेडी फिंगर से इसका भाजी बनाना है। काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, जिदान के पापा को भी पसंद है, पूरा फुल फैमिली को ये भाजी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और वेजिटेबल्स मेरा कट हो गया है और अभी जिदान को लाने के लिए हम लोग सब मिलकर स्कूल गया है, क्योंकि उसका क्या पढ़ाई होता है, अभी कुछ दिन बाद ही उसका यूनिट टेस्ट है, हर एक चीज़ चेक करते हुए रहना पड़ता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार के अंदर से, यहाँ पर इस उम्मीद से जा रहे हैं ताकि अगर फिश मिल जाए तो अच्छा होगा, बट ऑब्वियसली 2 बजे किस तरीके से फिश मिलेगा, बैड लक था नहीं मिला। फिर हम लोग बाजार से हो करके हम लोग सीधा चले गए घर। तो घर आने के बाद जो भाजी है, भाजी का काम कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है भाजी बनाने में। राइस मेरा कंप्लीट हो गया था, दाल भी मेरा रेडी हो गया था और मीट भी रेडी था। ये जो भाजी है ये फिनिशिंग पार्ट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए भाजी देखने में और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा खाने में। इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि जिदान को जल्दी से लंच करवाने के बाद वो थोड़ा देर तक रेस्ट करता है, फिर उसको अरबी भेजना रहता है और फिर मेरा ट्यूशन का टाइम हो जाता है। फिर और आज सडनली मन हुआ आज थोड़ा सा खिचड़ी बना लेते क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा ही मन हो रहा था और खिचड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। हाँ, भाजी मेरा ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया था, दाल भी कम्प्लीट हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं, रात में यूज़ हो जाएगा और खिचड़ी के साथ भाजी इजीली जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं होता। तो अभी देखिए खिचड़ी के लिए मसाला भुनना हो रहा है, मतलब अभी पहले अनियन फ्राई होगा, उसके बाद जितना सारा इन्ग्रीडियंट्स है वो डाल देंगे और मसाला को अच्छी तरीके से भून लेंगे। बच्चों के स्कूल रहने से पूरा दिन बिजी रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चों में बिजी रहना पड़ता है, क्या क्या स्टडीज़ हुआ वो देखना पड़ता है, फिर कुकिंग में बिजी रहना पड़ता है, फिर मेरा ट्यूशन्स भी रहता है, होम क्लीनिंग बहुत सारा काम रहता है। इस तरह से कैसे टाइम पास हो जाता है और पूरा दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अब देखिए आलू जो है वो छीलना बाकी है, राइस और दाल ऑलरेडी वॉश्ड हो गया है, ये तो रेडी हो गया है, आलू छिलते ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा आज के लिए। और इधर देखिए जिदान फ्रेश भी हो गया स्कूल से आने के बाद थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करेगा, अपना भाई के साथ खेलेगा तो माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि चार बजे उसका अरबी ट्यूशन रहता है, फिर वो रिटर्न घर आएगा, फिर अपना स्टडीज कम्प्लीट करेगा, कुछ वर्क अगर इनकम्प्लीट रहता है उसको भी कंप्लीट करना रहता है। तो इस तरीके से जिदान को भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, इजान का अभी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बट कमिंग ईयर से इजान को भी सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा। देखिए आपसे बात करते करते मेरा मसाला भुनना तो हो गया है, अब राइस दाल और आलू एक साथ मिक्स कर देंगे तो ऐसे इस तरीके से मेरा कुकिंग कम्प्लीट हो जाएगा। मसाला भी अच्छी तरह से भुनना हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है कलर देखने में। हाँ, ज़्यादा स्पाइसी नहीं हुआ क्योंकि बच्चों के लिए उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं करते, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज भी ऐड किए, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड किए, बट उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ऐड किए। अब आलू भी मेरे छिलने का काम कम्प्लीट हो गया है, अब सारा इन्ग्रीडियंट्स एक साथ मिक्स कर दिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसको भी थोड़ा देर तक भून लेंगे। एक्चुअली आपा बताती है जब तक ये मसाला नहीं भुना जाए और पानी डालने के बाद जब तक उबाल नहीं आ जाता है तब तक प्रेशर कुकर का लीड बंद नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या होता है ना, बैलेंस नहीं मिलता है कोई भी चीज़ कुकिंग में। तो ठीक है, आपा के बात रखते हुए देखिए अभी अच्छी तरीके से भून लिए और फिर पानी भी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद उबाल के लिए वेट कर लेंगे। लंच करने से पहले मेरा माइंड में आया जो पपाया रखा हुआ है उसको कट करके दे देते, कम से कम बच्चे एटलीस्ट खा लेंगे पपाया फ्रूट्स। ए तो पपाया, जिदान को पपाया बहुत ज़्यादा ही पसंद है और जिदान को भी पसंद है।
জিদান খাওয়ার আগে একবার বলে দাও আসসালামু আলাইকুম। দেখো মম্মির দিকে তাকাও, বলো আসসালামু আলাইকুম। अब देखिए इवनिंग के टाइम हम लोग सब अभी निकल गए हैं। हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं मेरे आपा के घर, इकरा का तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, अभी रात 9 o'clock हो रहा है। तो इस टाइम हम लोग जाएंगे तो हम लोग जल्दी से रिटर्न आने की कोशिश भी करेंगे। और नेक्स्ट डे हॉलीडे है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर रात भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इज़ान को देखिए बाइक में बैठे बैठे काफ़ी मस्ती करता रहता है और जिदान अपने पापा के सामने बैठा हुआ है। तो जिदान थोड़ा सा कोशिश भी करता है, ईजान भी डिमांड करता है, कभी कभी रोता भी है, बट ईजान का क्या आदत है ना, उसको नींद आ जाता है बाइक में बैठे बैठे। तो और सच में वो सो गया था बाइक में। हम लोग जब उतरे तो जिदान के पापा उसको गोदी में लेते हुए ऊपर चढ़े। एक्चुअली मेरी आपा का घर 5th फ्लोर में है तो काफ़ी ऊपर है। फिर हम लोग काफ़ी देर तक बातचीत किए एंड अभी देखिए नाश्ता का टाइम, बहुत कुछ है नाश्ते में। ड्रैगन चिकन, चटपटी और कबाब, हर एक चीज़ है अवेलेबल था। मतलब क्या छोड़ के क्या खाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर जिदान और ईजान देखिए कार्टून में बिजी है। ये वाला जो वीडियो है इफ़त ले रही थी और बोल दी कि क्लब में देखिए ले लिए सारा वीडियो। अब हम लोग सब एक एक करके खाने बैठ गए थे। यहाँ पर इफ़त, इकरा, आपा, शाहिद भाई और जिदान के पापा। बच्चे तो बिल्कुल भी खाने के मूड में नहीं थे क्योंकि बच्चे ऑलरेडी नाश्ता करके निकले थे और मेरी नंद लोग आई हुई थी। तो सिर्फ बच्चे नहीं, हम लोग का भी नाश्ता हो गया था। यहाँ पर हम लोग सेकेंड टाइम नाश्ता चल रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, चटपटी, वो सामने रखा हुआ था। तो सोचे थोड़ा सा कबाब टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद ही चटपटी टेस्ट करना। कबाब के साथ जो चटनी है काफ़ी टेस्टी लगता है, मतलब सबको ही आई थिंक ये चटनी बनाते ही होंगे कबाब के साथ साथ। अब बच्चों को बुलाते बुलाते जिदान और ईजान देखिए अभी बैठे हुए हैं, मतलब टीवी में एकदम बिजी है उन लोगों को, मतलब खाने से ज़्यादा इंटरेस्ट है टीवी देखना। आज कौन सा डे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब शुरू से लेके एंड तक खाने में हम लोग सब बिजी थे। तो आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे और एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock और इस टाइम में देखिए खीरा लिया जा रहा है। एक्चुअली मेरी नंद फ़ोन की थी, उनको खीरा चाहिए था, आज उनके वहाँ डिनर भी करना है। रात को 12 बज गया, किस टाइम डिनर करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज नाश्ता हो गया डबल और उसके बाद फिर डिनर, मतलब कैसे क्या मेंटेन होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पर भी हम लोग सही से खा नहीं पाए।